इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। हापुड़ की घटना को लेकर वकीलों में जबरदस्त गुस्सा है। जो वकील दूसरों को न्याय दिलवाने का दंभ भरते हैं, वो खुद सड़क पर हैं। इन वकीलों की मांग है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने वकीलों के साथ मारपीट की है। सुनिए वकीलों की मांगे क्या हैं और उनका गुस्सा कितना जायज है। मुलजिम के खिलाफ कोई FIR होती है तो पुलिस दौड़ दौड़ के जाती है, उस मुलजिम का दरवाजा तोड़ देती है, चारपाई तोड़ देती है, बर्तन तोड़ देती है और उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाकर लाती है, पकड़ कर लाती है, जलील करती है। आज जब वही घटना पुलिस के खिलाफ हुई है तो पुलिस खामोश क्यों है? क्यों नहीं उच्च अधिकारी इस पर अपनी कोई कार्रवाई कर रहे हैं? योगी से बड़ा एहसान फरामोश कोई हो ही नहीं सकता है। योगी जी को न्याय दिलाने का काम यही अभी अधिवक्ता समाज किया, लेकिन आज तमाम पुलिस वालों को ये पता चला गया होगा। एक स्लोगन है, आप जान ही रहे हैं कि अगर खाकी वर्दी पुलिस का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है, और डंडा जो है हमेशा कानून के हाथ की गिरफ्त में होता है। तो ये मान करके चलिए जब तक हम लोग हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहे। इंसाफ की लड़ाई दूसरों की लड़ते हैं, आज आपको अपने इंसाफ के लिए चौराहे पे आना पड़ा, किसको जिम्मेदार मानते हो, क्या मामला था? इसमें हापुड़ का मामला दर्शाया जा रहा है, वहाँ पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था अधिवक्ताओं के ऊपर, जिसमें हमारे जो है माननीय बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है उनके नेतृत्व में यहाँ की लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए अपनी आवाज़ जो है उनके उनके कानों तक पहुँचाते हैं, लेकिन न्याय हम लोगों को खुद अपनी बातों को रखना पड़ रहा है। इसलिए ये सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ने ये निर्देश दिया है कि हापुड़ में जो वकीलों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, बिना किसी आधार के, बिना किसी उसके, वकीलों पर निहत्ते उन पर लाठीचार्ज करके उनको बुरी तरह से घायल किया गया है और घायलों का इलाज भी नहीं होने दिया है और डॉक्टरों को रोका गया है इलाज करने से। इससे क्षुब्ध होकर हमने ये आज पुतला फूंकने का बार काउंसिल प्रकरण हुआ था, जिसमें शांतिपूर्ण धरना दे रहे अधिवक्ता साथियों पर जिस बर्बरतापूर्वक हापुड़ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसमें हमारी महिला अधिवक्ताओं सहित सैकड़ों अधिवक्ता हमारे वहाँ घायल हुए थे। उसके विरोध में और अधिवक्ता हित की सभी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और तहसील बार एसोसिएशन बार काउंसिल ऑफ यूपी का समर्थन करते हुए उसी दिन से न्यायिक कार्य से विरत है। आज हमारी केंद्रीय हाईकोर्ट बेंच, केंद्रीय संघर्ष समिति की कॉल थी और बार काउंसिल की भी कॉल थी हमारी कि हम न्यायिक कार्य के साथ साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय और ट्रेजरी को भी तालाबंदी करें। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सब अधिवक्ता साथियों के साथ हैं। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, खुद अपने इंसाफ के लिए आप सड़क पर क्या मामला था, किसको दोषी माना? हापुड़ में घटित घटना मेन कारण रहा और उसके साथ साथ अब हम सभी अभी अधिवक्ता भाइयों का यही डिमांड है कि जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं इंप्लीमेंटेड होगा पूरे इंडिया में, तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगा और हम लोग न्यायिक कार्य से इसी तरीके से विरत रहेंगे हमेशा के लिए, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। योगी से बड़ा एहसान फरामोश कोई हो ही नहीं सकता है। योगी जी को न्याय दिलाने का काम यही अभी अधिवक्ता समाज किया, लेकिन आज तमाम पुलिस वालों को ये पता चला गया होगा। एक स्लोगन है, आप जान ही रहे हैं कि अगर खाकी वर्दी पुलिस का डंडा है तो काला कोट कानून का हाथ है, और डंडा जो है हमेशा कानून के हाथ की गिरफ्त में होता है। तो ये मान करके चलिए जब तक हम लोग हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। हमारी डिमांड है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और SP और DM इन दोनों का सस्पेंशन, तबादला जी हापुड़ में घटित घटना को लेकर के जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया उसी के सिलसिले में।